So first of all, friends, it's an honor to be on a very wonderful platform for a wonderful reason with a wonderful person. And today I'm fortunate to have one of India's youth icons to be part of this particular program. So let me formally introduce Rishi Nitya Prajnaji for all of you. Okay, so I know all of you know it, and if you don't know it, shame, shame, puppy shame. You need to go into digital world, do a lot of Google about him. You will have lot of videos. You will have lots of posts about him. But okay. So एक सवाल जो मन में आता है हमेशा जब हम meditation की बात करते हैं, उसके पहले आप हमेशा ये कहते हैं कि you are a student of life. आप teacher तो हो, लेकिन you believe that you are a student of life. Why is that? उसका क्या कारण है कि आप अपने को अभी भी student मानते हो इतने बड़े गुरु होने के बावजूद? मैंने सचमुच जब आप मेरा वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना लोगों को, तो आपने दो बात बोली ना. एक तो है कि डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस श्री रविशंकर जी, एंड दूसरा ये जो अभी आप बोल रहे हैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ. अगर आप सचमुच मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहें तो ये दो काफी है मेरे लिए. मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मुझे ये मेरा जीवन मिला है. और दूसरा, मैं जो भी समझने योग्य है, जानने योग्य है जीवन में ना, वो अपने आप ही, इतनी तड़प है मुझे वो जानते रहने की. शायद मैं जिज्ञासु हूं, ज्ञानी बना कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिज्ञासु जरूर हूं. उस जिज्ञासा की वजह से इतने सुंदर सुंदर मौके मिलते रहते हैं. कहीं किसी बिजनेसमैन के साथ बैठा हूं तो उसको, उनके बिजनेस को समझने का प्रयत्न करता हूं. किसी फिजिसिस्ट के साथ बैठा होता हूं तो उनका फिजिक्स समझने का प्रयत्न करता हूं. मैथमेटिशियन के साथ बैठता हूं तो वो समझ लेता हूं. माय पॉइंट इज, लाइफ इज सच, इतना फैंटास्टिक खजाना है जीवन में. तुम सीखते रहो, अनंत है, अनंत. और वो जो सीखने में और एक्सपैंड करने में जो आनंद है, वो मेरे जीवन का ड्राइविंग फोर्स है. इसलिए मैं कहता हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ. सो नाइस. यू नो, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप अलग अलग लोगों से सीखते हैं. और आपने एक तो उदाहरण दिया, वन ऑफ द एग्जांपल्स यू गिव इज बिजनेसमैन. और आप उस बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता हूं, मैंने भी एक किताब लिखी है कॉर्पोरेट चाणक्य. एक बात बताइए, यू नो, लोगों को ऐसे लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड या बिजनेस वर्ल्ड आर नॉट कनेक्टेड. और जैसे आपने बताया कि बेसिकली जो हमारा आज का विषय भी है, जो हमने पोस्टर में डाला है, कि एक्चुअली मेडिटेशन कैन हेल्प यू टेक गुड डिसीजंस इवन इन बिजनेस. एंड यू हैव सीन बोथ द साइड, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द बिजनेस वर्ल्ड. थोड़ा बताएंगे कि हाउ डज मेडिटेशन एक्चुअली हेल्प इन बिजनेस डिसीजंस? मैं इसमें है ना ये कहूंगा, स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है बिजनेस में. मेडिटेशन इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जैसे मैं ज्ञान, ध्यान, गान और सेवा, ये चारों को मिला के स्पिरिचुअलिटी कहता हूँ. ज्ञान भी हो जीवन का, ध्यान भी हो, मेडिटेशन भी, फिर गान भी हो, थोड़ा भक्ति हो, आनंद हो, उत्सव हो जीवन का, और फिर सेवा भी हो. तो ज्ञान, ध्यान, गान और सेवा, इन चारों को मिला के स्पिरिचुअलिटी का बड़ा सुंदर अनुभव है. मैं ये कहता हूं, देखिए बिजनेस का क्षेत्र कैसा है कि भाई अगर हमने अपने मन को पवित्र बनाए रखने का निश्चय नहीं रखा मन में, तो बिजनेस का क्षेत्र हो सकता है कभी ऐसे कोई आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स दे दे कि जिससे शायद बाहर की दुनिया समृद्ध कर पाओ, लेकिन अंदर की दुनिया में लोभ भर गया, कामवासना भर गई, अंदर की दुनिया में यू नो मोह छूट गया, अंदर ये अहंकार भर गया. ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद या मत्सर, मद यानी ईगो या मत्सर यानी जेलसी, ये सब अपने मन में घुसने की संभावना जरूर होगी. इसलिए इस दुनिया को है ना माया भी कहते हैं, कि वो बड़े अट्रैक्शंस देती है हमें. संबंधों की दुनिया की माया अलग है, व्यवसाय की माया अलग है. तो वो जब वो ऐसे ऑफरिंग्स आते हैं आपके सामने, अट्रैक्शंस आते हैं आपके सामने, अगर ज्ञान में और धर्म में और स्पिरिचुअलिटी में ओरिएंटेड मन हो ना, तो कई बार छोटे लाभ की वजह से जो बड़ा नुकसान हो सकता था उससे बच जाएंगे हम. आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? कभी कभी क्या, जैसे यू नो
थोड़ा लाभ है, कोई देख नहीं रहा है, चलो थोड़ा सा करप्शन कर लो, एक बार किया, दो बार किया, पांच बार किया, करते करते उसकी आदत भी पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है जी। हाँ, जैसे कभी गुस्सा करके काम निकलवा लिया, एक बार, दो बार, पांच बार, 10 बार गुस्सा किया, काम अच्छा निकला, लेकिन तुम्हें गुस्से की आदत पड़ गई। मैं ये कहता हूं, इसी व्यवहार व्यवसाय की माया में, दुनिया में जीते जीते भी अंदर की पवित्रता को बनाए रखना, अंदर की ब्यूटी को बनाए रखना ही जीवन जीने की कला है। और वो मैं कहता हूं आपको ध्यान के माध्यम से भी मिलेगी, ज्ञान के माध्यम से भी मिलेगी। ध्यान में क्या होता है, आई टेल यू, जैसे ही मन इस माया से छूटकर, बाहर की दुनिया से छूटकर अपने आप में स्थिर होता है ना, तो जो भी इंप्रेशन इकट्ठा हुए हुए होते हैं मन में इतने समय के अनुभवों के, वो इंप्रेशन रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्शियसनेस का एक रहस्य है, मन जितना खाली उतना ज्यादा प्रसन्न। Wow. The more empty the mind is, more happy and pure it is. So, periodically, जैसे हम everyday स्नान करते हैं तो शरीर साफ कर लेते हैं, घर की सफाई करते हैं तो घर साफ करते हैं, वैसे ही everyday मन की सफाई के लिए ध्यान की जरूरत है। Wow. अच्छा, साफ हुआ हुआ मन हो ना तो decision making भी crystal clear होता है एकदम। अगर जैसे काम वासना से या किसी लोभ से, किसी गड़बड़ से ग्रसित है मन, तो उसी तरह के डिसीजन मेकिंग होने की संभावना होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान भी जरूरी, ज्ञान भी जरूरी, फिर कभी है ना, मैं कहता हूं गान भी जरूरी। भक्ति का भी इतना सुंदर रोल है हरेक के मन में। मैं है ना, मैं कई बार ये देखता हूं, कभी कभी सपोज बहुत काम में बिजी होने की वजह से मन थोड़ा सा जैसे बिजी हो गया, जैसे ही शाम को बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, गुरुदेव का स्मरण करते हैं, इतना सुंदर प्रसन्न मधुर हो जाता है मन, वो भी जरूरी है। सो ज्ञान भी, ध्यान भी और गान भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और फिर चौथा मैं कहता हूं, ये सब होने के बाद सुंदर हुए हुए मन के साथ आपके द्वारा थोड़ी सी सेवा भी जरूरी है। वाह, यू नो, आपके द्वारा किसी का कल्याण हो, ये सेवा है ना? तो आपके द्वारा किसी का कल्याण, अच्छा, उनके कल्याण से जगे हुए पुण्य से आपका भी कल्याण। जैसे आपने बताया, यू नो, वी वांट अ प्रैक्टिकल, यू नो, आई वुड से गाइडेड मेडिटेशन फ्रॉम यू। समय कम है, सबको पता है, बट यू नो, ऐसा कहते हैं कि गुरुजी अगर मिल जाए तो सत्संग कभी छोड़ना नहीं। और मैं एक कदम आगे बताऊंगा, अगर ध्यान करने वाले गुरुदेव मिल जाए तो ध्यान सीखने से भूलना नहीं। सो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द ऑडियंस, टू प्लीज टेक अस थ्रू अ स्मॉल सेशन ऑफ गाइडेड मेडिटेशन। लेकिन फॉर ऑल द ऑडियंस, प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, दैट आफ्टर दिस ध्यान के बाद एक गान भी होने वाला है। ओके, सो बी अलर्ट, एंड आई एम गोइंग टू बी नाउ लिसनिंग टू यू एंड गेट गाइडेड इन द मेडिटेशन प्रोसेस, विच इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। प्लीज अभिषेक। अच्छा, मैं शुरू करूं ना, उसके पहले मैं बता रहा हूं, आप सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग का जो यूट्यूब चैनल है या आर्ट ऑफ लिविंग का जो ऐप है, वो आप प्लीज डाउनलोड करिएगा। उसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के श्रीमुख से ही गाइडेड बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, इतने सुंदर सुंदर ध्यान है, वो चक्रों की सफाई के भी ध्यान है और अपनी कॉन्शियसनेस को ब्रह्ममय करने के भी इतने सुंदर सुंदर ध्यान है उसमें, आप प्लीज उसका आनंद लीजिएगा। मैं जो उनके चरणों में बैठ के जो सीखा हूँ, उसका एक छोटा सा मैं गाइडेड मेडिटेशन आपको भी करा रहा हूँ। आप सब लोग उसका ऐसा समझ लीजिए, एक एक छोटा सा, एक भक्त की तरफ से आपको मिला हुआ एक छोटा ट्रेलर है। आपको मूवी देखना है, वो गुरुदेव के साथ के मेडिटेशन जरूर से करिएगा सब। जी जी, तो आंख बंद करके बैठे सब लोग, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा सीधा कर लें, हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियों को ऊपर की तरफ खुला करें। सब लोग करिएगा, एक बहुत सुंदर अनुभव है ये। आईज क्लोज्ड, हैंड्स ऑन योर नीज,
or on your lap, palms facing upwards. Straighten up your back a little bit. And completely relax the body, relax the mind, relax the breath also. शरीर को मन को श्वास को पूरी तरह ढीला छोड़ एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर और मन को फिर एक बार रिलैक्स कर दें One more deep breath in and as you breathe out, relax your body, relax your mind. प्रकृति ने मनुष्य के मन में एक विलक्षण ताकत दी हुई है आप अपने मन से जब जो त्यागना चाहें त्याग सकते हैं आप अपने मन में जब जो भाव जगाना चाहें जगा सकते हैं एक और गहरी सांस अंदर और बाहर इस क्षण के पहले जो कुछ भी हुआ सब भूतकाल में चला गया जैसे एक कहानी हो गया बिफोर दिस मोमेंट वॉट एवर हैज हैपेंड हैज ऑल गॉन इन टू द पास्ट नाउ Like a story. तो इस क्षण के पहले किसी घटना का अभी भी अगर कोई असर रहा हुआ हो मन पे तो मुस्कुराते मुस्कुराते जैसे बाहर जाने वाले श्वास के साथ उसको त्याग देना If you find any impression of some past event, Still lingering on in your consciousness, with a smile on your face, with an outgoing breath, just let it go out. Incoming breath energizes the body, and outgoing breath releases toxins from the body and impressions, emotions from the mind. अंदर आने वाली श्वास शरीर को प्राण प्रोवाइड करती है तो बाहर जाने वाली श्वास शरीर और मन का कचरा बाहर उंडेलती है पूरा फोकस अपने ब्रेथ पर अपनी श्वास पर रखते हुए लंबी भरपूर सांसें लेते रहना और लंबी भरपूर सांसें त्यागते भी जाना कीपिंग योर फुल अटेंशन ऑन द ब्रेथ Continue to take long, deep, full breaths in and out. Continue. आप देखेंगे जैसे जैसे
श्वास पर केंद्रित होता हुआ मन अंदर आने वाली श्वास के साथ और बाहर जाने वाली श्वास के साथ और ज्यादा रिलैक्स होता जाता है। मन और ज्यादा रिक्त खाली होता जाता है। एज यू फोकस ऑन योर ब्रेथ इनकमिंग एंड आउट गोइंग ब्रेथ योर माइंड बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर स्टिल रिलैक्स्ड एंड एम्प्टी। जीवन का एक और बड़ा सुंदर साइंटिफिक रहस्य है, मध में प्रसन्नता अपने आप ही है। अप्रसन्नता के लिए, अनहैपीनेस के लिए किसी कारण की जरूरत पड़ेगी। वन मोर ब्यूटिफुल सीक्रेट ऑफ द कॉन्शियसनेस। The basic nature of the mind, basic nature of the consciousness is of happiness, pleasantness. To feel unhappy, it needs some reason. Look at the experience of your own life. Whenever your mind picked up some reason to feel unhappy, for a little while, unhappy emotions lingered on. As soon as you drop that unpleasantness from the mind, it naturally comes back to its own nature of pleasant, happy state. जैसे ही आप अप्रसन्नता के कारणों को त्यागते जाते हैं, मन अपने आप ही प्रसन्न मुक्त होने लगता है। लंबी भरपूर सांसें और बाहर जाने वाली श्वास के साथ खाली होता हुआ मन। Long, full breaths, and with the outgoing breath, the mind becomes more and more relaxed and still. और फिर धीरे से अपने मन को सिर की चोटी पर ले आए। Bring your attention to the top of your head. और कल्पना करें जैसे आप एक आनंद का फव्वारा बन गए और आपके सिर की चोटी से यह आनंदमय फव्वारा आपके आसपास के पूरे वातावरण को नहला रहा है। Imagine as if you have become a fountain of joy, fountain of love. And from the top of your head, this fountain is spreading into the whole world around you.
long full breaths, attention at the top of your head, and continue to be a shower, a fountain of love, of blessings, of happiness. And let this shower of love and blessings spread into the whole world around you. कल्पना करें आप आनंद का फव्वारा हैं, लंबी भरपूर सांसें लेते रहें, सिर की चोटी पर ध्यान रहे और सिर की चोटी से निकलते हुए आनंदमय फव्वारे में पूरे विश्व को नहलाइएगा. चाहें तो अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को याद करें और मन ही मन उन्हें भी इस आनंदमय फव्वारे में नहलाते जाएं. इफ यू विश यू मे इमेजिन द पीपल हुम यू आर एसोसिएटेड विथ वन आफ्टर द अदर एंड कंटिन्यू टू शावर योर ब्लेसिंग्स एंड लव ऑन ईच वन ऑफ देम. दैट शावर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड. Let it soak your whole existence. अपनी पूरी सृष्टि को आनंदमय फव्वारे में नहलाइए. जैसे आप ही स्रोत हैं आनंद का पूरे विश्व के लिए. For your own existence, you are the source of joy, of love. And then with a smile on the face, muskurate, muskurate. Man kare to thoda sa aur muskurate. Is anandmay favvare ko aise hi chalu rakhte hue, dheere se aankhein khol lijiyega. Taking your own sweet time, whenever you feel like it, you may slowly open the eyes. एक बार आनंद की प्राप्ति हुई तो मुंह खोलना नहीं चाहिए. मेरा कार्य तो हो गया. अभी जैसे आपने बताया कि स्वभाव, एक बार ये भाव में आ गए तो स्व में रहिए. समय की पाबंदी तो हमेशा सबको रहती है और ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा इंस्टाग्राम, उसका अटेंशन स्पैन भी थोड़ा सा कम है. लेकिन थोड़ा तो सुनेंगे जरूर. ज्ञान विज्ञान ध्यान और गान. शेट्टी साहब, मैं है ना एक बात देखता हूं कि दुनिया भर में लोग है ना सचमुच प्रसन्नता, आनंद, सुख ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं. अगर एक बार उनको ये रस चखने को मिल गया तो अपने आप ही मन रस लेने लगता है. फिर उसमें ऊपर किसी को वो जानबूझ के खींच खींच के लाने की जरूरत नहीं पड़ती. गुरुदेव ने यही किया दुनिया भर के लिए. एक व्यक्ति ने फैमिली में कोर्स कर लिया हो आर्ट ऑफ लिविंग का, तो वो व्यक्ति हेल्पलेसली अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को लेके आता ही है नेक्स्ट कोर्स में. ऐसे करते करते 156 देशों में पहुंच गए. या तो मैं ये कहता हूं, ये जो नीड है हर जीव की प्रसन्नता, आनंद और प्रेम अनुभव करने की, उसका एक बहुत सुंदर करिकुलम गुरुदेव ने बनाया हुआ है. वो सबको अनुभव करना चाहिए. और हरे आजकल तो अब ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, सो यू कैन रियली गेट दैट ब्यूटिफुल ऐसे एनरिचमेंट का एक्सपीरियंस है अंदर से. वो घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं सब लोग. प्लीज अपना अपना पता लगा लीजिएगा. मैं एक ऑनलाइन एडवांस कोर्स कराने वाला हूँ जिन लोगों ने हैप्पीनेस प्रोग्राम बेसिक कोर्स कर लिया है आर्ट ऑफ लिविंग का, उनके लिए वो 24, 25, 26 दिसंबर आई एम गोइंग टू टीच एन एडवांस कोर्स.
प्लीज फाइंड आउट फ्रॉम योर सोर्सेस, यू विल गेट इट। ये है ना, वैसे है फिल्म सॉन्ग, बहुत पुराना कोई मूवी है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं, बट इतने सुंदर शब्द हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे जो भाव मेरे गुरुदेव के प्रति मेरे मन में जगते हैं, बड़ी सुंदरता से वो एक्सप्रेस हुए हैं इस गाने में। मेरे लिए भक्ति गीत है। एक बड़ा सुंदर इवेंट इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। हमने ये गुरुदेव के लिए जब बहुत पहले गाया, 97-98 की बात होगी, तो तब ये शब्द ऐसे थे, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूं, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूं। तो गुरुदेव बोले, अरे तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल, हमें इतना दूर क्यों बिठा दिया तुमने? तो फिर हमने थोड़े से शब्द बदले हैं इसमें, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं तुम्हारी चांदनी। बड़ा सुंदर है। गगन के चंद्रमा हो, मैं तुम्हारी चांदनी, मैं तुम्हारी चांदनी, तुम प्रणय के देवता हो, तुम प्रणय के देवता हो, मैं तुम्हारी रागिनी, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं तुम्हारी चांदनी, तुम्हारी चांदनी, तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों के हो गुंजन, मेरे मन के मयूर हो, तुम हो पाया मैं हूँ छाया, तुम हो काया मैं हूँ छाया, तुम सुधा मैं प्यास गगन के चंद्रमा हो, मैं तुम्हारी चांदनी, मैं तुम्हारी चांदनी, तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी ताल पर,
तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम क्षमा मैं भूल हूँ, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं तुम्हारी चांदनी, मैं तुम्हारी चांदनी।